यहाँ एमओडी में, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन वेलफेयर में और बहुत सारे मुद्दे एएफपी को लेकर के उठाए गए। एक तो हमारी जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का एक डेलीगेशन रक्षा सचिव से मिला था और डीएसडब्ल्यू सचिव से मिला था और इसी दौरान पूर्व सैनिकों के काफ़ी मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई थी। लेकिन अभी एमओडी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें पूर्व सैनिकों से संबंधित समस्याओं का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन OROP 2 की विसंगतियाँ और OROP 3 रिवीजन और इसके साथ ही मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर उनका कोई बयान नहीं आया है। ऐसा लगता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री पूर्व सैनिकों के मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह के वीडियो जारी कर रही है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। जैसे हमारी मीटिंग थी यहाँ एमओडी में, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन वेलफेयर में, और बहुत सारे मुद्दे एएफपी को लेकर के उठाए गए। एक तो हमारी उन्होंने बातें मानी, हमने जैसे कहा कि एएफटी की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें ई फाइलिंग होनी चाहिए, जैसे रीजनल वेबसाइट्स हैं उन सबको प्रॉपरली वो चले सो दैट अपडेट लोगों को प्रॉपर मिल सके। और इसके अलावा हमने ये भी बात करी कि जो एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एएफटी के अंदर केस करने की परमिशन मिलनी चाहिए, तो उन्होंने हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं एंड वो हम उनको सप्लाई करेंगे एंड देन दे अश्योर्ड अस कि दैट दे विल बी वर्किंग ऑन टू दिस एंड दैट ऑल द थिंग्स विल बी पुट अप टू द डिफेंस मिनिस्टर एंड द PMO ऑफिस। लगातार सरकार जो है वो पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। एक समाधान अभियान के तहत स्वयं सचिव साहब जो है वो पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं और जितने हमारे पूर्व सैनिक हैं उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं और उनके समाधान के लिए तत्पर हैं। मुझे खुशी है कि हमारे अनेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में सरकार जो है पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जो है वो लगातार प्रयासरत है और आज जिस वातावरण में बातचीत हुई है उससे मुझे पूरा भरोसा बना है कि आने वाले समय में पूर्व सैनिकों की जो भी समस्या है उनका समाधान होगा। और कुछ बातें जो उन्होंने बताया जिस तरह का समाधान उन्होंने किया है वो भी उसका भी हम स्वागत करते हैं, जो कदम अभी उठाए हैं चाहे वो CHS के संबंधित हों चाहे वो पूर्व सैनिकों की जो शिक्षा बच्चों की शिक्षा से संबंधित हों, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव जो कदम उठाए हैं हम उसकी भी सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसी प्रकार जो है हम सबकी समस्याओं का समाधान करते हुए जो है आगे बढ़ेगी।